जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं संजीव कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आईटीपीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। फ्रेंड्स, आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, और फ्रेंड्स आपकी जॉब प्रोफाइल इसमें क्या रह सकती है। मुझे काफी फ्रेंड्स का कॉमेंट आया कि सर, अगर हम इस जॉब में लग जाते हैं तो हमारी जॉब प्रोफाइल इसमें क्या रहेगी, हमसे क्या काम करवाया जाएगा, हमारा रहना सहना कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप ऊपर आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ इसमें, तो आपके देखिए टोटल वैकेंसी आपकी 134,134 वैकेंसीज। फिर फ्रेंड्स का मुझे कमेंट आया कि सर, इसमें वैकेंसीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेंगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, मैं इसमें आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होने कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर आगे आपकी वैकेंसीज फ्यूचर में कुछ से इंक्रीज होती तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, काफी मुझे कॉमेंट्स आए कि सर, ज्वाइनिंग कब तक होगी इसमें। एक सबसे अहम सवाल है कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है इसमें। तो दोस्तों, मैं ज्वाइनिंग के आपको बता दूं गाइस, नवंबर या दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग इसमें फाइनल हो सकती है। तो कई मेरे फ्रेंड्स पूछेंगे कि सर, कैसे, इतना टाइम कैसे लगेगा ज्वाइनिंग में। तो दोस्तों देखिए, आपको पता ही होगा जो इंडिया में कोरोना वायरस चल रहा है, उसके चलते जून तक तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। जून तक आप मान के चलो कि आपका कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ दोस्तों। आप कई आप सोच रहे होंगे कि मतलब गलत कह रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, सब बात सही कह रहा हूँ मैं। जून तक आपको कुछ नहीं होना। जून तक ये मान लो आप घर पे ही रहोगे भाई। क्या जून तक अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप क्या क्या कब तक क्या होने वाला, आपका स्किल टेस्ट कब होगा या फिर आपकी मेडिकल कब होगा, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नवंबर दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 100% कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल के बारे में काफी सवाल उठते हैं कि सर, हम इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, हमसे क्या काम करवाया जाएगा। देखिए गाइस, ये पोस्ट आपकी ड्राइवर की, तो आपसे ओनली ड्राइविंग का काम होगा, ओनली ड्राइविंग का। जब उन्हें ऑफिसर को, मतलब जो ऑफिसर होते हैं, आप भी एक ऑफिसर कहलाओगे इस जॉब में लगने के बाद। जॉब बहुत अच्छी है यार, ठीक है। आज के टाइम पे भाई जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो यार मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आपको ये जॉब मिलती तो इसको ले लो बस, ठीक है। क्योंकि भाई आज के टाइम पे जॉब बिल्कुल भी नहीं है, जॉब बहुत कम रह चुकी है आज के टाइम पे। तो क्योंकि यार पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी, ठीक है। और ये जॉब बहुत अच्छी है, इसमें आपका ओनली काम है ड्राइविंग का। अगर आपको ड्राइविंग करनी आती है और अब इसमें आप बेस्ट हो, तो आपके लिए बेस्ट जॉब है, क्योंकि इसमें ओनली ड्राइविंग करनी है आपको। अगर आपको ड्राइविंग अच्छी नहीं है तो आपके लिए बेस्ट जॉब नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग अच्छी आती है तो आपके लिए बहुत बेस्ट जॉब है। आपको सिर्फ तब काम होगा जब ऑफिसर को कहीं जाना होगा, तभी आपको उससे कुछ काम करवाया जाएगा वहाँ पे। अदरवाइज आपको आराम से फ्री रहने को दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और कुछ काम नहीं है आपका, ठीक है। ये बात भी फाइनल हो गई। और कई मेरे फ्रेंड्स का कमेंट आया कि सर, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। ये भी कुछ बड़ा अहम सवाल बनता है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक तैयार होगा और ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ज्वाइनिंग का मैंने बता दिया आपको, दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग फाइनल हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। अब बात रही फाइनल रिजल्ट के बारे में। देखिए गाइस, जून तक आपको कुछ होगा नहीं, जून जुलाई अगस्त तक आपके मान लो कि ये स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। अगस्त तक स्किल टेस्ट मैं कह रहा हूँ फाइनल हो जाएंगे आपके। जून तक तो आपका आप घर पे ही हो, लेकिन जून के बाद आपके, जून के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर लास्ट वीक में स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट आपको कैसे पास करना है, उसके मैंने अलग से वीडियो बना रखी अपने चैनल पे, आप देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से देख लीजिएगा, आपका स्किल टेस्ट भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगस्त तक आपके स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। स्किल टेस्ट के बाद आपका फिर एडमिट कार्ड दोबारा आएंगे, ठीक है। किस चीज़ के, ओनली आपके मेडिकल के। मेडिकल आपको मान लीजिए कम से कम अक्टूबर तक आपके मेडिकल, अक्टूबर या अगस्त, सितंबर अक्टूबर तक आपके मेडिकल भी क्लियर हो जाएंगे। मेडिकल में आपका कम से कम एक महीना लगना है, क्योंकि यार देखिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। आप सोच रहे हो कि इसमें बहुत कम स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है यार। 33-35 मार्क्स वाले पास किए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कितना कंपटीशन है इसमें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको इसकी कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। और कई दोस्तों का कमेंट आता है सर, इसकी मतलब कि कट ऑफ क्या ज्यादा जाएगी कम जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, कम बिल्कुल भी नहीं जाएगी भाई, ज्यादा जाएगी। मैं सही बोल रहा हूँ, ज्यादा जाएगी, कम नहीं जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, कंपटीशन हार्ड है इसमें आपका, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। और बात रही आपके मेडिकल की, सितंबर अक्टूबर तक आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। मेडिकल में आपका एक महीना कम से कम लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। और आपको पता है आईटीबीपी वाले बहुत लेट प्रोसेसिंग करते हैं यार। आपको देख लो, ये 2018-19 की भर्ती है ये, ठीक है, अब जाके क्लियर होएगी ये। तो आप देख सकते हो कितनी पुरानी भर्ती है ये, और फिर भी अब तक प्रोसेसिंग चल रही है इसकी। तो यार ये बहुत
लेट प्रोसेसिंग चलता है इसमें। डिफेंस की जितनी भी जॉब होती है, एक आर्मी होती है जो बिल्कुल फटाफट काम करती है, लेकिन जो भी और भी सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ ले लो, किसी भी आप डिफेंस जॉब के ले लो, बहुत लेट प्रोसेसिंग चलता है इनका, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और रही बात आपके मेडिकल की, सितंबर अक्टूबर तक आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल टेंशन मत लीजिए, 1 महीना मेडिकल चलेगा। क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत हार्ड है, ठीक है, 1 महीने आपका कम से कम मेडिकल चलेगा। सितंबर अक्टूबर तक मेडिकल, नवंबर दिसंबर तक आपके ज्वाइनिंग के एडमिट कार्ड आपके घर पे आ जाएंगे, ज्वाइन लेटर, ठीक है, समझ रहे ना दोस्तों, आपके ज्वाइन लेटर घर पे आ जाएंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, या फिर आप खुद लेके आ जाना, आपको बुलावा आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर के लिए, ठीक है। ये आपका ज्वाइनिंग प्रोसेसर था, इस प्रकार से आपका काम होने वाला है सारा। और जो प्रोफाइल यार एकदम गुड है, एकदम बेस्ट है यार, मैं कहता हूँ सब भाई इसमें लग जाए बस, ठीक है, और सब आप मुझे मिठाई मिठाई खिलवाओ, तो यार ध्यान दीजिए इस बात पे, ध्यान दीजिएगा, स्किल टेस्ट अच्छे से कीजिएगा। जिनकी स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं है वो वीडियो देख लीजिएगा, जिनको जो डाउट कर रहे हैं कट ऑफ के ऊपर, उनके भी क्लियर मैंने सब कर रखे हैं, आप चैनल पे जाइए, कट ऑफ की वीडियो मिल जाएगी, स्किल टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट लगता है वीडियो में तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब पक्का दूंगा। आपको कुछ भी बात पूछनी है मुझसे इस जॉब से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब पक्का दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नीचे नीचे आपको एक बटन मिलेगा रेड कलर का सब्सक्राइब वाला, आपको इसके ऊपर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो आपको टाइम से मिल जाए, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अपना बेल बटन भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो बेल बटन ऑन कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर थैंक यू सो मच, आज वीडियो दोस्तों इतना ही था।